प्रिय छात्रों, कक्षा 5 के पर्यावरण का पहला पाठ आज पढ़ेंगे हम। इस पाठ के प्रश्न उत्तर करेंगे और आपको समझना रिश्तों की समझ। तो वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, जैसे कि पता कीजिए लिखिए, यानी कि ये प्रश्न उत्तर जो हम पढ़ रहे हैं ये पेज संख्या 54 पर है। पहला प्रश्न है कि आपके पड़ोस में कौन कौन रहते हैं। तो इसका उत्तर रहेगा कि हमारे पड़ोस में मोहम्मद, राम प्रसाद शर्मा, पूर्ण, श्री हकीम सिंह, मोहम्मद अयूब खान, श्री देवेश गुप्ता परिवार के आपके साथ रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 2, इनमें से एकल परिवार कितने हैं। इनमें से 3 एकल परिवार हैं। अगला क्वेश्चन अपन पढ़ते हैं कि प्रश्न नंबर 3, उनके घर में कौन कौन सदस्य रहते हैं। तो रहते हैं उनके बीच का काम का बंटवारा किस प्रकार का है। उत्तर रहेगा उन सभी घरों में 11 सदस्य हैं। इनमें पिताजी माताजी नौकरी या व्यवसाय करके रुपये लाते हैं तथा माँ घर का काम काज करती है एवं बच्चे पढ़ने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 4, इनमें संयुक्त परिवार कितने हैं। उत्तर, इनमें संयुक्त परिवार केवल 1 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 5, उनमें कौन कौन सदस्य रहते हैं, उनके बीच का काम का बंटवारा किस प्रकार का है। उत्तर रहेगा उस परिवार में 15 सदस्य, सबसे बड़े दादी जी हमारे साथ नहीं रही, वे गांव में ही रहते हैं। ताऊ जी हमारे साथ नहीं रहते, वे जयपुर में रहते हैं। वृद्ध दादा दादी बच्चों की देख रेख करते हैं। उनके ताई जी हमारे साथ नहीं रहते, वे जयपुर में रहते हैं। 3 बेटे हैं, उनमें से 2 नौकरी करते तथा 1 मिठाई की दुकान करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 छठा है कि संजना का परिवार एकल परिवार होता तो उसकी माँ की देखभाल कौन कौन करता। उत्तर, संजना का परिवार एकल परिवार होता तो उसकी माँ की देखभाल संजना तथा उसके पिताजी को करनी पड़ती। अब हम परिवार का वंश वृक्ष है जो कि पेज संख्या 155 पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संजना ने अपने परिवार का वंश वृक्ष बनाया, जो भी आप देख सकते हो, जैसे संजना के जो एक गणपति है ये इनके पड़ दादाजी है, दीनदयाल है इसके दादाजी है, देवेश है इसके पिताजी है, देवांश स्वयं है, रम्मा देवी ने बनाया था जो पड़ दादाजी है, लक्ष्मी है जो नानी जी है, मोहिनी है जो माता जी है, देवांश जो स्वयं है। इसी तरह से अपन पढ़ते हैं हम, चर्चा कीजिए बताइए, पेज संख्या 55 पर है। प्रश्न है कि एकल परिवार बनने के क्या क्या कारण है। तो उत्तर रहेगा मकानों का छोटा होना, परिवारों के सदस्यों के आदतों में भिन्नता होना, सदस्यों के बीच आपसी तालमेल का अभाव होना, रोजगार की तलाश में या उच्च शिक्षा हेतु अन्यत्र जाना, अधिक स्वतंत्रता एवं आधुनिकता की इच्छा आदि के कारण एकल परिवार बन रहे या बन जाता है। प्रश्न नंबर 2, संयुक्त परिवार और एकल परिवार में क्या क्या अंतर है। तो संयुक्त परिवार में सदस्यों की संख्या अधिक होती है तथा कई छोटे परिवार मिलकर एक साथ रहते हैं, जबकि एकल परिवार में सदस्यों की संख्या कम होती है, जिसमें केवल माता पिता तथा बच्चों ही रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, प्रश्न नंबर 3, समय के साथ त्यौहार मनाने के तरीकों में क्या क्या बदलाव आए हैं, लिखिए।
तो इसका उत्तर रहेगा समय के साथ त्यौहार मनाने के तरीकों में काफ़ी बदलाव आए। जैसे दीपावली पर लोग पहले घी एवं तेल के दीपक जलाते थे, अब जाल रहे मोमबत्तियां लगाते हैं। पहले होली का त्यौहार पूरे उत्साह के साथ महीने पहले से मनाया जाता था, अब कुछ दिनों में ही समाप्त हो जाता है। अब समाज में पहले ही जैसी एकता दिखाई नहीं देती है। अब अपन पढ़ते हैं पेज नंबर 156 पर, पर्यावरण का चल रहा है, जिसमें पहला प्रश्न है, यदि आप एकल परिवार में रह रहे हो और आपकी माँ दो तीन दिन के लिए बाहर जाती है, तब आप कैसा महसूस करते हैं? तो उत्तर है कि माँ के बाहर जाने पर हमें अच्छा महसूस नहीं होता है, घर खाली 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 सा लगता है तथा माँ की कमी महसूस होती है। प्रश्न नंबर दो, जिन बच्चों के माता पिता नहीं होते उनकी देखभाल के लिए सरकार द्वारा संचालित विद्यालय आश्रम छात्रावास के बारे में शिक्षक से चर्चा कीजिए। तो ऐसे बच्चों की देखभाल के लिए सरकार विद्यालय बाल श्रम छात्रावास संचालित करते साथ ही साथ ऐसे बच्चों के लिए कार्य करने वाले गैर सरकारी संगठनों को आर्थिक सहायता देती हैं। अब पढ़ते हैं पेज नंबर 59 पर, गाय अपने बछड़ों को कैसे पहचानती है? गाय अपने बछड़ों को सूंघ कर तथा चाट कर पहचानती है। प्रश्न नंबर दो, आपकी माँ भीड़ में आपको कैसे पहचानती हैं? तो वह देखकर हमें पहचान जाती है अपनी माँ। अब प्रश्न 160 पेज नंबर पढ़ेंगे, जैसे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में गुणों का जानना खालिस्तान कहलाता है, तो वंशानुक्रम कहलाता है, वंशानुगमन कहलाता है। नेक्स्ट है, आनुवंशिकता के क्षेत्र में कार्य करने वाले किन्हीं दो वैज्ञानिकों के नाम लिखो, जिसमें एक वैज्ञानिक तो ग्रेगर जॉन मेंडल तथा हर गोविंद खुराना, ये दोनों ने वैज्ञानिक आनुवंशिकता के क्षेत्र में बहुत अच्छा कार्य किया। प्रश्न नंबर तीन, वंशानुगत लक्षण कहाँ कहाँ से प्राप्त होते हैं? तो एक दादी से, नाना नानी से, माता पिता से या इनमें से सभी? तो इसका सही उत्तर रहेगा द वाला, इन सभी से हमें वंशानुगत लक्षण प्राप्त होते हैं। प्रश्न नंबर चार, कि आपकी माताजी की बहन के साथ आपका क्या रिश्ता होता है? तो वह हमारी मौसी लगती हैं। प्रश्न नंबर पाँच, संयुक्त परिवार एकल परिवार में क्या अंतर है? तो ये उत्तर रहेगा, संयुक्त परिवार में कई छोटे परिवार एक साथ मिलकर रहते हैं, इससे उसकी सदस्य संख्या अधिक हो जाती है। एकल परिवार में एक ही परिवार रहता है जिसकी सदस्य संख्या 4-5 तक सीमित रहती है। और ये हमारा आज का पाठ आपका ख़त्म हो गया, रिश्तों की समझ। तो आपको इसको लाइक, यानी कि आपको लाइक और शेयर आपको ज़रूर करना है। जो भी कक्षा 5 के स्टूडेंट हो उसको ये वीडियो अवश्य सेंड करना, और एग्ज़ाम की दृष्टि से आपको वेरी महत्वपूर्ण रहेगा। इस YouTube चैनल पर आपको फ्री ऑफ क्लास से अवेलेबल रहेगी,